नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मोजीद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग सिगोरिन डिफेंस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो सिगोरिन डिफेंस हाउ टू प्ले अगेंस्ट क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड और क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। सिगोरिन डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। मतलब आप क्वींस गैम्बिट को डिक्लाइन कर रहे हो, कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सिगोरिन डिफेंस में हमने इससे पहले नाइट एफ थ्री थर्ड मूव व्हाइट खेलता है नाइट एफ थ्री, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। आज मैं बताऊंगा आपको थर्ड मूव नाइट सी थ्री के बारे में। व्हाइट प्लेस इफ व्हाइट प्लेस थर्ड मूव एन सी थ्री, व्हाट शुड यू डू। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत सारे दोस्तों वीडियो पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कोई कॉमेंट नहीं करते। कमेंट करना जरूरी है ताकि मुझे पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या चीज चाहिए, इसमें क्या चेंजिंग चाहिए। तो आप सभी से खास रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कमेंट भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सिगोरिन डिफेंस द पार्ट फाइव। मैंने टोटल फोर पार्ट्स अपलोड कर दिए सिगोरिन डिफेंस के, आज ये हमारा पांचवा भाग है। डी फोर व्हाइट जब खेलता है, यहां आपको खेलना है डी फाइव, और सी फोर यहां आपको खेलना है नाइट सी सिक्स। मेरे लास्ट फोर वीडियो में हमने बताया था थर्ड मूव व्हाइट प्लेस नाइट एफ थ्री, जो बहुत ही कॉमन मूव है। व्हाइट के लिए स्ट्रॉन्ग मूव है नाइट सी थ्री, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन है थर्ड एन सी थ्री। थर्ड एन सी थ्री व्हाइट के लिए स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्लैक से गेम लॉस हो जाते, बस इसे स्ट्रांगली आपको कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। थर्ड एन सी थ्री के सामने डी टेक सी फोर, ये की मूव है। डी इंटू सी फोर, उसके बाद अलग अलग वेरिएशन से। यहां पे व्हाइट अगर खेलता है नाइट एफ थ्री, तो यहां आपको खेलना है नाइट एफ सिक्स। आफ्टर ई फोर व्हाइट अपने दोनों पोन सेंट्रलाइज करेगा, यहां आपको खेलना है बिशप जी फोर। बिशप ई थ्री ये सिंपल डेवलपमेंट है, उसके पोन पे हमने नाइट को पिन किया, इसलिए डी फोर पोन के ऊपर प्रेशर आता है सिंपल, तो बिशप ई थ्री जरूर खेलेगा। बिशप ई थ्री अगर खेलता है, यहां आपको बिशप टेक्स एफ थ्री करना है। फोर्स मूव है जी टेक्स एफ थ्री, अदरवाइज व्हाइट विल लॉस द पॉन। तो जी टेक्स एफ थ्री के बाद यहां पे मैंने पहले ही बताया था कि ई फाइव सिगोरिन की मूव है। व्हाइट रिप्लाई देगा डी फाइव, और यहां एक सरप्राइज मूव है नाइट बी एट। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट को डी सेवन से मैनोरिंग करेंगे। नाइट बी एट के बाद व्हाइट की जो खास मूव है बिशप टेक सी फोर, वो तो जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी हम पॉन ले चुके हैं। एन बी डी सेवन, यहां पे क्वीन बी थ्री आ सकता है, डबल अटैक ऑन एफ सेवन और बी सेवन। मैं आपको यहां पे एक बेस्ट मूव बताऊंगा, बिशप सी फाइव। बिशप सी फाइव के बाद व्हाइट खेलेगा लॉन्ग कैसल, और यहां बिशप टेक्स ई थ्री। आफ्टर ई टेक्स ई थ्री रुक बी एट, ये पोजीशन काफी बेटर है ब्लैक के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डी सिक्स होता है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सिंपल कैसल कर लो। आफ्टर पॉन टेक्स देन क्वीन टेक्स सी सेवन और काउंटर अटैक ऑन सी फाइव, तो ये पोजीशन से आप बेहतरीन खेल सकते हो। दूसरी लाइन बताता हूं। अब ये जो दूसरी लाइन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें पीस सैक्रिफाइस वाली है। कई बार मूव ऑर्डर कन्वर्ट होकर सिगोरिन डिफेंस कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले नाइट एफ थ्री अगर व्हाइट खेलता है तो यहां पे सिंपल आप डी फाइव कर सकते हो, उसके बाद डी फोर,
नाइट सी सिक्स देन सी फोर, यहाँ पे डी इंटू सी फोर नाइट सी थ्री और नाइट एफ सिक्स। एक और मूव है, जब नाइट सी थ्री वेरिएशन में हमने पॉन कैप्चर कर लिया है, व्हाइट का नाइट एफ थ्री पे है, ब्लैक का नाइट भी एफ सिक्स पे है, उसके बाद जब व्हाइट अगर डी फाइव करता है तो एक बहुत ही शॉकिंग मूव, सरप्राइजिंग मूव है नाइट ए फाइव। नाइट ए फाइव आपको लगेगा कि सर इसमें तो हमारा नाइट जा सकता है, जा सकता नहीं, हम जानबूझ के इसमें नाइट दे रहे, सेक्रीफाइस दे रहे। क्या होगा आगे देखिए, क्वीन ए फोर चेक, यहां पे आपको करना है सी सिक्स, डी टेक सी सिक्स, नाइट टेक सी सिक्स, ये सिंपल मूव हो जाएगी। डी टेक सी सिक्स के बजाय व्हाइट अगर बी फोर खेलता है यहां पर तो क्या होगा, या तो आपका नाइट ट्रैप हो रहा है, यहां आपको खेलना है बी फाइव, क्वीन टेक्स ए फाइव, क्वीन टेक्स ए फाइव, बी टेक्स ए फाइव और यहां बी फोर। अब देख सकते हैं कि d इंटू सी सिक्स, किसी गेम में d इंटू सी सिक्स खेला गया था, नाइट d1 अगर करता है, जैसे कि वाइट ने नाइट d1 किया, तो उसके बाद c इंटू d5 और ये गेम पूरी ब्लैक के फेवर में हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक के पास आठों आठ पॉन जीवित है, ऑन बोर्ड पे है और एक्टिव भी है, और वाइट एक पीस अप होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाएगा इस गेम में। पॉन एंडिंग अगर आप परफेक्ट खेलोगे तो आराम से ये गेम जीत सकते हो। लाइक नेक्स्ट स्टेप आपका रुक बी एट, रुक बी फोर और रुक ए फाइव, ये भी हो सकता है, और अलग अलग तरीके से आपको रिप्लाई देना है। अगर वाइट ने ए थ्री पॉन ब्रेक करना चाहा तो सिंपल बी थ्री करके आप आगे खेल सकते हो। तो ये सिगोरिन डिफेंस की एक एनसी थ्री लाइन में नाइट सेक्रीफाइस वाली लाइन है, और मैं तो बहुत ही इसे पसंद करता हूँ। इस लाइन से मैं बहुत सारी गेम्स जीत भी चुका हूँ, एक भी गेम इसमें लॉस नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की सिगोरिन डिफेंस की थर्ड एनसी थ्री की दो लाइनें, ये आप पूरी तरह से तैयार कर दीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एनसी थ्री की और भी बहुत सारी लाइंस आपको मिलेगी, पर सभी लाइन सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, और दोस्तों हो सके तो अपने ग्रुप में चैनल शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले इसलिए आपको भी सपोर्ट करना होगा। बहुत सारे वीडियोस मैं मेहनत करके बनाता हूँ, बहुत सारी बुक्स में देख के, सॉफ्टवेयर में देख के, वर्ल्ड की लेटेस्ट खेली हुई गेम देख के मैं तैयार करता हूँ अपने खुद के मूव्स, जो आपको बहुत फायदे कराने वाले हैं। तो जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद, जय गुजरात।